हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए समझते हैं एमएस वर्ड की एक ऐसी ट्रिक के बारे में जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा और देखा भी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसके यूज करके आप जितनी शॉर्टकट की हैं उन सारे को आप एक साथ इंसर्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं हम। तो विंडोज के साथ आर बटन मैंने दबाया और यहाँ पे टाइप करूंगा विन वर्ड, ठीक है। यहाँ पे विन वर्ड टाइप किया और आपको इंटर हिट करना है, तो हमने हिट किया इंटर और इंटर हिट करने के बाद ये एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा और करेंगे और यहाँ मैक्रोस दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको जाना है व्यू मैक्रोस में। यहाँ पे क्लिक जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पे आता है ऑल एक्टिव टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट। आपको इस ड्रॉपडाउन से सेलेक्ट करना है वर्ड्स कमांड। आपको क्या सेलेक्ट करना है इस ड्रॉपडाउन से? वर्ड्स कमांड। और कोई ऑप्शन आप सेलेक्ट मत कीजिएगा, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है वर्ड्स कमांड। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ये सारे ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे टाइप करना है लिस्ट कमांड। क्या टाइप करना है? लिस्ट। जैसे लिस्ट टाइप करेंगे ऊपर कमांड्स आ जाएगा और इसको करना है आपको सेलेक्ट, ठीक है। और यहां से करवाइएगा रन। तो रन करवाते समय ये एक विंडो और ओपन होगी और यहां पर आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, दो रेडियो बटन दिखाई पड़ेंगे। एक रेडियो बटन में यह लिखा हुआ है करेंट कीबोर्ड सेटिंग, कि आपको जो शॉर्टकट की इंसर्ट करवानी है वो करेंट कीबोर्ड की सेटिंग से चाहिए या ऑल वर्ड्स कमांड चाहिए। तो आपको यहाँ पे करंट कीबोर्ड की सेटिंग ही सेलेक्ट रखनी है और यहां से करना है ओके प्रेस और उसके बाद हो जाएगा ये जादू। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर तमाम शॉर्टकट की, ये देखिए कितने पेजेस हैं, मैं यहाँ पे पेजेस आपको काउंट कर रहा हूं। देखिए ये दो पेज, 11 पेज जो है शॉर्टकट की से भरा पड़ा है, ठीक है। अब यहां दिया हुआ है फॉन्ट साइज सिलेक्ट। एक शॉर्टकट की को हम यूज करते हैं इसमें से, हमें पता लगेगा कि ये शॉर्टकट की काम कर रही है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी एक शॉर्टकट की, जैसे ये लिखा हुआ है एप मैक्सिमाइज, अल्ट के साथ F10 दबाएंगे तो एप मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे अल्ट के साथ F5 दबाएंगे तो रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अल्ट के साथ F5 दबाते हैं। आपको फंक्शन की दबानी है, ठीक है। आप देख सकते रिस्टोर हो चुका है, सॉरी। तो हमारा एप क्या हो चुका है? रिस्टोर हो चुका है। और अल्ट के साथ क्या दबाना है? आप F10 दबाते हैं, F10। तो देखते हैं क्या होता है, ये मैक्सिमाइज हो गया। Alt के साथ F5 दबाने से क्या हुआ? ये रिस्टोर हो गया। और Alt के साथ F10 दबाने से क्या हो गया? मैक्सिमाइज। Alt के साथ F5, बैल Alt के साथ F10 दबाने से ये मैक्सिमाइज हो जाता है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। ये तो उम्मीद है कि इस ट्रिक से आपको काफी मदद मिलेगी एमएस वर्ड में काम करने में। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और साथ ही साथ कुछ कमेंट भी कीजिएगा ताकि मुझे ये पता लगे कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।